अरे कौन आ सुन, अच्छे से चेहरा देख, मैं भी आ रहा हूं देख के। अच्छे से देखिए। भाई साहब, आप आपके बाल बाल बच्चे हैं ना? हाँ हाँ है। हम बॉस को बोल देंगे कि हमने देख लिया है ना। हाँ हाँ बेटा जी, छुपे रहो छुपे रहो, सोए रहो, अभी खतरा टाला नहीं है। ये हो यहाँ क्या कर रहा है तू? कमांडो प्यास लगी थी, पानी पी रहा था। पिलाऊ तेने मैं पानी? तुम नीचे क्यों आ गए? चेहरा देखा लड़की का? हाँ देख लिया। अब ये लड़की वो लड़की नहीं है। पक्का? पक्का मतलब पक्का, यकीन नहीं है तो अंकल से पूछ लो। उधर जा 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 जा, वहां चेक कर। ठीक है जा। हेलो। हाँ भाई बोल, कुछ पता चला? यहाँ कुछ पता नहीं चला, कुछ अंदर पता चला? अरे नहीं यार, गलत जगह पे गलत टाइम वेस्ट कर दिया। क्या बकवास है यार ये? हाँ इतनी पास है वो लोग और हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। किस बात का कमांडर है यार तू? हाँ ये तेरी कमांडरगिरी? इस तरीके से रात हो जाएगी, फिर सुबह होगी, फिर वेट करेंगे। समझा कर यार, फटाफट ढूंढना है उन्हें। छोड़ो मेरी बात, मैं आवारागर्दी तो कर नहीं रहा हूँ। समझा? मारने आया हूँ, ढूंढने नहीं आया। तुम्हें मार दूंगा जब भी मिलेंगे। मेरी बात सुन, भड़क मत, मैं भी वही कर रहा हूँ समझा। भड़क इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे काम पे शक करे। मुझे क्या करना है कैसे करना है मैं जानता हूँ, समझ गया? ठीक है, याद नहीं दिलाऊंगा मगर खुद से याद रखना कि तेरा काम क्या है, समझा? हाँ ठीक है, फोन काट। सुनो, यहाँ की कार्रवाई हुई पूरी। हाँ चलो यहाँ से। क्या हुआ लगी क्या? अरे आराम से। बाल बाल बच गए आज तो। हाँ बस सर के ही बाल बचे, बॉडी के बाल तो खड़े हो गए। गूज़बम्प्स यू नो, थैंक गॉड कॉकरोच नहीं था। कॉकरोच? एक भी कॉकरोच नहीं था। आप कॉकरोच से डर रहे थे? तुम्हें क्या लगा मैं गुंडों से डर रहा था? हम अभी मौत के मुंह से बाहर आए हैं और आपको कॉकरोच की पड़ी है? मुझे सिर्फ कॉकरोच की पड़ी है क्योंकि मेरे लिए ये बात सबसे बड़ी है। यू नो कॉकरोच इज लाइक डायनासोर, दोनों एक ही टाइम से चले आ रहे, लेकिन अगर मेरे सामने कॉकरोच और डायनासोर दोनों एक साथ आए ना तो मैं डायनासोर को छोड़कर कॉकरोच को मारूंगा। हे भगवान। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान तो सिर्फ आपको भूत प्रेत से बचा सकते हैं और कॉकरोच से आपको सिर्फ आपकी किस्मत बचा सकती है। वो दिखते कैसे है? गुंडे? अरे नहीं कॉकरोच कैसे अजीब भद्दे से दिखते हैं और एंटीनी जैसे जो मुंह चलते ही। नो मेरे लिए कॉकरोच ना ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक दिखते हैं यार, डिस्गस्टिंग। क्या हो तुम हंसती रही हो? मैं देख रही हूँ कि जो मेरा सुपर हीरो है जिसने मुझे आग से बचाया, घोड़े पे बैठ के गुंडों से बचा गया, बारिश में गाड़ी चला के यहाँ तक ले आए, किसी से नहीं डरे, कॉकरोच से डर गए। मैं डरा नहीं था तो? मैं घबरा गया था। मेरा मतलब मैं तुम्हें बता रहा था। फिर तो ठीक ही है क्योंकि पांव के नीचे कॉकरोच है। मैं भगा दूंगी पहले तुम हटाओ। अरे नहीं है कॉकरोच, मजाक कर रही थी मैं। क्या
नहीं, वो आपने कहा ना कि आप डरते नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं चेक कर लेती। अच्छा, इसलिए तुमने चिल्लाया? जानबूझकर मुझे डर है। अरे आप कहाँ डरते हैं, आप तो घबराते हैं ना। अच्छा, तो मेरी टांग भी खींच रही है। फिलहाल तो आप मुझे खींच रहे थोड़ी। अरे बात तो बताओ। क्या? अब इस लव स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाएं? पता नहीं, छोड़िए मुझे। ए, पहले जवाब तो फिर छोड़ो। अरे आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ मजाक कर सकते हो, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप कुछ भी करते, गाड़ी में भी मुझे गले लगा के भगवान को थैंक यू बोल रहे थे। हाँ तो सब कुछ उन्हीं ने तो किया है। अगर तुम बिजली नहीं कड़काए थे तो तुम मेरे पास थोड़ी ना आती। अभी नहीं आई आपके पास। अच्छा, ये तो मैं तुम्हें खींच कर लाया हूँ, तुम थोड़ी ना आई हो। अच्छा, छोड़ के देखिए कैसे मैं खुद आपके पास आती। अच्छा जी, मैं छोड़ा ना तुम टुकुर 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 करके बाबा के पास भाग जाओगे, है ना? कहाँ भाग के जाऊंगी आपसे दूर, जब भी आपसे दूर गई हूँ खुद वापस आई हूँ ना। मतलब? कुछ नहीं, चलिए पहले बाबा के पास चलते हैं। देखा, टुकुर 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 टुकुर। आखिर मैंने ऐसा क्या कर लिया जो आप लोग मुझे इतना डांट रहे हो? और जो इन्होंने किया वो सही था? पूछिए इनसे क्या किया, बुलाइए पूरब को, उससे पूछे क्या उसने सही किया था। अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, और ये तो तू भी जानती है ना कि पूरब ने जो भी किया है वो क्यों किया है, क्योंकि उसको तुझ पर शक था कि अभी और प्रज्ञा की किडनैपिंग में तेरा हाथ है। उसे ही नहीं, हम सबको भी शक था तुझ पे। राइट, शक था तो मुझे बेहोश कर दिया। कल को अगर आगे कोई ये बोल देगा कि किडनैपिंग मैंने किया तो मुझे मार ही देते आप लोग। यू नो, इस बात की वजह से मैं आप पे पुलिस केस कर सकती हूँ। अरे अभी मेरा होने वाला पति है, मैं उसे किडनैप करूंगी तो शादी कैसे करती मैं? जब से वो मंडप छोड़ के क्या है मैं इतनी उदास हूँ। आप लोगों को मेरी हालत पे तरस खाना चाहिए कि आप लोग मुझे डांट रहे हो। This is too much. आलिया, आलिया देखो तो तुम्हारी फैमिली मेरे साथ किस तरीके से बर्ताव कर रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, और आप सब लोग तनु को क्यों तंग कर रहे हैं? ओए, इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। पता है इसने क्या किया? सारी रात इंदु और जानकी को कमरे में बंद रखा इसने। वो बेचारी सारी रात दरवाजा खटखटाती रही, इसने नहीं खोला। भूखी प्यासी रही, अगर उनको कुछ हो जाता तो। अभी भी देख उनके चेहरे, देख कैसे आंखें बाहर आई। तनु ने दासी और जानकी आंटी को कमरे में बंद किया आपको वो दिखा, लेकिन उन्होंने जो तनु के साथ किया आपको वो नहीं दिख रहा। उन्होंने तनु को बेहोश किया, उसे कमरे में अंदर बंद कर दिया। उसने अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों को कमरे में बंद किया। आपको ये चीजें नजर नहीं आ रही क्या? या आपको सिर्फ जो देखना है आप सिर्फ वही देखना चाहते हैं? आपने सोचा है कि अगर अगर जब दासी ने तनु को बेहोश किया था अगर उसे कुछ हो जाता तो? वो तो इसलिए किया था कि इस पर हम सबको शक था। अभी और प्रज्ञा की किडनैपिंग इसी ने करवाई। शक था ना, आपका शक सही तो नहीं था ना? सही हो या गलत, देख अरिया ये तू भी जानती है कि ऐसा ये पहले भी कर चुकी है। देखिए, पहले जो हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्या आज जो हुआ है उसका उसका कोई सबूत है आपके पास कि तनु ने ही भाई और प्रज्ञा की किडनैपिंग करवाई है? कोई सबूत नहीं है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं साफ साफ सबको बता देती हूँ, अगर कोई तनु की तरफ उंगली उठाएगा तो मैं बोल दूंगी कि सरला आंटी ने भाई की किडनैपिंग करवाई। ओए, तू ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, तनु आपको अच्छी नहीं लगती है इसलिए आपने उसके ऊपर उंगली उठा दी। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि सरला आंटी ने ये सोचा होगा कि मेरी बेटी प्रज्ञा को अभी तो अपना नहीं रहा है, मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहा है, तो मैं काम करती हूँ, मैं उसे किडनैप कर लेती हूँ।
इसलिए ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए। इससे किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना आपको आपकी प्रज्ञा मिलेगी, ना मुझे मेरा भाई। इसलिए तनु की तरफ कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो तनु। मीठा जी, मैंने ये आप लोगों के लिए खाने वाने के लिए सामान वगैरह रख दिया, रास्ते के लिए वक्त पे खा लेना। सर, आपने जितना किया है ना, उतना कोई अपना भी नहीं करता सर। और आपका एहसान इतना बड़ा है कि हम उसे थैंक यू बोलकर छोटा भी नहीं कर सकते। तो बेटा जी, एक काम करो, कुछ ना बोलो। बेटा जी, एक बाप अपनी बेटी के लिए फर्ज अदा किया, उसे एहसान का नाम क्यों देते हो? तुम दोनों को सही सलामत देख के मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे खुश रहने दो ना। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? सर, अभी मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। अगर वो गुंडे वापस आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम चलते सर। हाँ बेटा जी, हाँ। अरे नहीं 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 बेटा जी, हमारे यहाँ बेटियां पांव नहीं छूती। मैंने जो बात समझाई थी वो याद है ना? भूलना मत, जिंदगी में वैसी गलती मत करना जैसी गलती मैंने की थी। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, कौन सा काम जल्दी करना है? हाँ, वो कुछ नहीं, बस हम बेटा जी, जैसे आप लड़कियां लोग आपस में बातचीत करती हो ना, वैसे हम मर्दों की भी कुछ पर्सनल बातें होती हैं। हाँ, ये मर्दों वाली बात थी, मर्दों वाली बात। बेटा जी, आपको देखता हूं ना तो बार बार मुझे अपनी बड़ी बेटी याद आ जाती है। हमारे यहां बेटियां घर से खाली हाथ नहीं जाती। ठहरो बेटा जी, मैं आपके लिए एक छोटी सी गिफ्ट लेके आता हूं। गिफ्ट? लेकिन पापा, क्या मर्दों वाली बातें कर रहे थे? क्या बात, पता नहीं, सीरियसली आई डोंट नो। सच बताओ तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही। नहीं समझ में आई तो हाँ में हाँ क्यों मिला रही? ताकि उन्हें बुरा ना लगे। आप सीधी तरह से बताएंगे या मैं आपको पहले? बाबा, कितना टाइम लगा रही है बाबा गिफ्ट? अरे लेकिन आप मेरी बात, इससे पहले कि गुंडे आ जाए और हमारा गिफ्ट बना दे, मैं बाबा को लेकर। ये साड़ी मैं उसे दूंगा तो उसे पसंद तो आएगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में? मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूं? क्या करूं, इतने कम वक्त में उससे ऐसा रिश्ता जुड़ गया है, लगता है कि बहुत पुराना रिश्ता है। मैं कह दूंगा कि बेटी समझ के तोहफा दे रहा हूं। हाँ, यही कहूंगा तो शायद उसे अजीब ना लगे। सर, अब चलते, बहुत देर हो गई है। हाँ चलते हैं। बेटा जी, जिंदगी में पता नहीं दोबारा मिलना होगा या नहीं, इसलिए ये बात दोबारा बोल रहा हूं, जो तुम्हारे सबसे करीब है उसे कभी अपने से दूर ना जाने देना। अगर उसे खो दिया तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। जैसी गलती मैंने की थी, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, और उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। बेटा जी, यकीन मानो, दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है जो उस खालीपन और उस अकेलेपन को दूर कर सके। वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, दुनिया चाहे जो भी कहे, उसी से रिश्ता जोड़ना जिससे तुम्हारा दिल कहे, और फिर अपने बीते हुए कल को आने वाले कल के सामने मत आने देना। उसी से रिश्ता जोड़ना जिससे दिल गए, और उसी को दिल में बसाना जिससे दिल गए। सर, मैं
मैं ऐसे ही सोचता था, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा कंफ्यूज रहता था सर। कंफ्यूज? पाप से मिलने के बाद मुझे पता है कि मुझे करना क्या। शादी की साड़ी लग रही है, ये आप मुझे क्यों दे रहे बाबा? बेटा जी बहस नहीं करते, ये छोटी सी गिफ्ट है, रख लो, काम आएगी। थैंक यू। और ये? बेटा जी तुम शादी वाली साड़ी पहनोगी तो अभी के लिए भी दूल्हे वाले कपड़े चाहिए कि नहीं? सर बस बारातियों की कमी, मैं तो कह रहा हूँ कि अड़ोस पड़ोस से बारातियों को बुला लीजिए, इसी बहाने सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। क्यों? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम लोगों की जिंदगी ऐसे हंसते खेलते बीत जाए। बेटा जी थैंक यू सर, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मैं ये बैग में रख देता हूँ। संभल के जाना। चलते यार, अरे एक जगह देख ली, सारे घर देख हमारे, वो दोनों कहीं नहीं मिले यार, गए तो गए कहाँ? अरे यार एक बात तो बता, क्या ये हैजा और टीवी में से ज्यादा खतरनाक बीमारी कौन सी है? अरे भाई बीमारी तो दोनों ही खतरनाक है, ये पूछो कि जानलेवा कौन सी है। कौन सी? अरे दोनों ही जानलेवा है, एक में लोग खास खास के मरता है तो दूसरे में उल्टियां कर करके। क्या बात कर रहा है? अरे सही कह रहा हूँ भाई, डर लग रहा है कहीं हम लोगों को ना हो जाए। या मेरा माथा खराब हो लिया ये सोच सोच के कि वो दोनों कहाँ गए, और तुम अपनी बकवास कर रहे हो। नहीं कमांडो, हम लोग बात कर रहे थे कि हम थोड़े घबराए हुए थे, वो जो बुड्ढा था ना, उसकी जो बेटी थी उसको दो दो बीमारियां थी, टीबी और हैजा, और तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आदमी खास रहा है वो उल्टी कैसे करेगा। मतलब वही कमांडो, एक ही आदमी खांसेगा भी और उल्टियां भी, ये दोनों एक साथ कैसे कर सकता है? हाँ ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐजा और टीवी एक साथ कैसे हो सकता है? मतलब ये है कि वो बुड्ढा हमसे झूठ बोल गया, और कोई झूठ क्यों बोलेगा। अरे एक बात बताओ, हम दोनों ने घर को अच्छे चेक तो किया था ना? हाँ कमरा मैंने चेक किया था, बेड के नीचे इसने चेक किया था। हाँ भाई बेड देखा था अच्छे से? हाँ भाई देखा था। पक्का? अब पक्का भाई बिल्कुल। और तन्ने लड़की का चेहरा देखा था ना? नहीं नहीं। तू तो कहता था तनु का चेहरा देख लिया। कमांडो मैं उसका चेहरा देखना चाहता था लेकिन मैंने देखा नहीं। मतलब तुम दोनों ने मेरे से झूठ बोला? हाँ। नहीं कमांडो मैं वहां पे डर गया था, उस लड़की को 10 बीमारियां थी, अगर उनमें से एक भी मुझे लग जाती तो मैं मर जाता, और अगर मैं यही बात आपको बताता कि मैंने उसको नहीं देखा तो आप मुझे मार देते, दोनों तरफ से मौत तो मेरी थी ना। तू उसकी बीमारी से भला ही बच जाता लेकिन मेरी बंदूक तो ना बचेगा ये बार। समझ गया? पकड़। हाँ निखिल। हाँ कुछ पता चला? हाँ मिल गए वो दोनों। अरे तो रुका क्यों है, पकड़ना उन्हें भाई पकड़। हाँ करता हूँ, तू फोन काट। टूटी मुझे क्या बोल रही है, तुम चलो सीधे। यहाँ से कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ सोचा आपने? मुझे लगा तुमने कुछ सोचा होगा। नहीं नहीं, मुझे लगा पापा से इतनी खुसर कर रहे थे, कुछ तो सोचा होगा। अब क्या जंगल का एड्रेस मांगू? आराम से इस तरफ चलते हैं। क्या करे? सुनो। हाँ
गुंडे। तुम दोनों को मैं बाद में मारूंगा, पहले जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है पहले उसको मारना है। मुझे क्या देख रहे हो, तुम भागना शुरू करो, मैं बहुत तेज भागता हूँ, तुम पीछे रह जाओगी। तुम भाग रही हो, छोड़ के जाओ। देखूंगा मैं तुम दोनों ने, पढ़ो चलो अभी साथ में। अरे भागो प्रज्ञा, और तेज, और तेज भागो। नहीं नहीं बस बस, मैं और नहीं भाग सकती, मैं और नहीं भाग सकती। इतनी जल्दी थक गई तू? जल्दी? इतनी देर से भाग रहे हैं? तो मैं भी तो भाग रहा हूँ, मैं थका क्या?